हाय, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लेकर आए हैं जयपार। कुछ चेंजेस हुए हैं जयपार में जो हम आज डिस्कस करेंगे। तो आइए, जो भी चेंजेस हैं उनको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले ज्यादा नेटवर्क, ज्यादा लीड, ज्यादा बिजनेस, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था अपने प्रीवियस वीडियो में कि हमें यहाँ पर एक बहुत बड़ा नेटवर्क मिलेगा, बहुत सारी लीड्स मिलेंगी और हम अपने बिजनेस को ऊपर की तरफ बढ़ता और ऊपर तक उसे बढ़ाते चले जाएंगे। अब जयपार है क्या? देखिए, इंडिया का पहला बिजनेस और नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। सब्सिट्यूट है इंडिया मार्ट, BNI, एक्सपोर्ट इंडिया, ट्रेड इंडिया जैसे प्लेटफॉर्म्स का। यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है, लाइक फेसबुक एंड लिंक्डइन। यहाँ पर आप अपना बिजनेस का कुछ भी प्रोडक्ट हो जो वो पोस्ट कर सकते हैं। वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है फॉर ऑल द बिजनेस नीड्स। इट हेल्प्स टू कनेक्ट विद अ वेरीफाइड बायर्स एंड सप्लायर टू एनहेंस द बिजनेस नेटवर्क। इसका मतलब है कि वेरीफाइड बायर और सप्लायर एक ही जगह पर मिलकर आपस में एक साथ बिजनेस कर सकते हैं। 1 लाख+ प्रोडक्ट कैटेगरी यहाँ पर अवेलेबल है। वेब, एंड्रॉयड और iOS तीनों पर ये फैसिलिटी आपको अवेलेबल रहेगी। जैपार डिजिटली आइडेंटिटी हो जाएगी आपके बिजनेस की। अनलिमिटेड पोस्ट आप डाल सकते हैं। मार्केटिंग मेकिंग पोस्टेड रिक्वायरमेंट, यानी कि आप कोई भी कैटलॉग क्रिएट करते हैं वो आप यहाँ डायरेक्ट पोस्ट कर सकते हैं। वैलिड और जेन्युइन लीड प्रोवाइड की जाएंगी आपको। सजेशन ऑफ सप्लायर्स टू बायर्स, यानी कि अगर आप बायर हैं तो आपको सजेशन मिलेगा सप्लायर्स का, और अगर आप बायर हैं तो सप्लायर का सजेशन मिलेगा। कोई मिडिल मैन नहीं रहेगा, चाहे आप खरीदें या बेचें, कोई ट्रांजेक्शन चार्ज नहीं है। और आप कमेंट और मैसेज डालकर जो डिटेल है वो भी आप यहाँ पर ले सकते हैं, अगर आपको किसी बायर या सेलर से बात करनी है। तो आइए, प्रोसेस को किस तरीके से रन करेंगे। सबसे पहले हम प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहां पर जयपार एंटर करेंगे, उस एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर, यानी कि जो भी मर्चेंट या जिस भी होलसेलर या जिस भी आप ट्रेडर के पास जा रहे हैं उसका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना। उस पर एक OTP रिसीव होगा, उस OTP को आप एंटर करेंगे और उसे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो अब पहला स्क्रीन रहेगा वो ये रहेगा, जहां पर आपको फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, ईमेल आईडी, अगेन ऑफिशियल है तो ऑफिशियल ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी जो भी आप यूज करें वो एक्टिव होनी चाहिए। इसके अलावा व्हाट यू सेल, आप क्या बेचते हैं, तो जो भी आप बेचते हैं वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे और नीचे रजिस्टर टैब पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप रजिस्टर टैब पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट स्क्रीन आपको ये दिखाई देगी। यहाँ पर टॉप में आपको यहाँ पर एक सर्कल दिखाई दे रहा है जो है प्रोफाइल का सेक्शन। आपको इस प्रोफाइल सेक्शन पे क्लिक करना होगा। प्रोफाइल सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से एक ड्रॉप डाउन विंडो दिखाई देगा जहां पर आपका नाम होगा, और उसी के नीचे आपको प्रोफाइल व्यू का ऑप्शन दिखाई देगा। इस प्रोफाइल व्यू ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर फोटो अपलोड करना होगा, जो भी वहां पर मैनेजर है या कंपनी के जो हेड है उनका फोटोग्राफ आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे इस तरीके का ऑप्शन ओपन होगा और इस तरीके से आप वहां पर फोटो अपलोड कर देंगे। तो याद रखिएगा, फोटो अपलोड करना मैंडेटरी रहेगा। अब यहाँ पर आने के बाद आपको दोबारा कंपनी पे जाना होगा, यानी कि प्रोफाइल टैब पे आप क्लिक करेंगे, उसी के नीचे कंपनी का आपको ऑप्शन दिखाई देगा, प्लस आपको आइकन दिखाई दे रहा है यहाँ पर ऐड कंपनी का। आप इस ऐड कंपनी टैब पर क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पर डॉक्यूमेंट पूछे जाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 4 तरह के डॉक्यूमेंट लिए जा सकते हैं, GST सर्टिफिकेट, कंपनी पैन कार्ड, उद्योग आधार या उद्यम आधार। तो इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप ले सकते हैं और वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर लेना होगा और उस डॉक्यूमेंट का नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो आप जब वो नंबर एंटर करेंगे उससे पहले आपको ये स्क्रीनशॉट लेना होगा जो कि गूगल फॉर्म में आपको रिपोर्टिंग के टाइम पे हमारे पास सबमिट करना होगा। इसके बाद हम बेसिक डिटेल जो बाकी के स्टेप्स हैं वो फॉलो करेंगे। पहले हमने व्हाट यू बाय फिल किया था पहली स्क्रीन में, यहाँ पर हम व्हाट यू सेल, आप क्या बेचते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और क्रिएट ऑप्शन पर, जो नीचे आप टैब देख रहे हैं क्रिएट ऑप्शन का, उस पर आपको क्लिक करना होगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी है और आपको उसको क्रिएट करना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट स्क्रीन दिखेगी जहां आप प्रोडक्ट की डिटेल डाल सकते हैं। प्रोडक्ट का नाम, क्या प्राइस रहेगा, मैक्सिमम प्राइस क्या रहेगा, वो सारे। अब यहां पर हम अपने प्रोडक्ट की डिटेल्स बनाएंगे, यानी कि हम यहां पर प्रोडक्ट का नाम डालेंगे,
कितना मिनिमम प्राइस है, कितना मैक्सिमम प्राइस है, कौन सा ब्रांड है हमारा, वो नाम डालेंगे, कितनी मिनिमम क्वांटिटी रिक्वायर्ड होगी अगर किसी को इसे बाय करना है, पेमेंट टर्म्स क्या रहेंगी, वो इन्फॉर्मेशन डालेंगे, और अपने प्रोडक्ट के बारे में एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन कि हमारा प्रोडक्ट क्या करता है, हम इसे यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक कर देंगे। अब हम इसकी अगली स्क्रीन पे चलते हैं जहाँ पर हमें बाकी का बचा हुआ जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट करना होगा। देखिए अब यहाँ पर वापस मैं प्रोफाइल पे जाऊँगा, कंपनी पे क्लिक करूँगा, मेरा कंपनी का नाम यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको, मैं उस कंपनी के पे क्लिक करूँगा टैब पे। अब बाकी की डिटेल देखिए, यहाँ पर मैं एडिट टैब पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर मेरी कंपनी की इंफॉर्मेशन आ रही है, यहाँ पर टॉप पर आपको एडिट का आइकन दिखाई दे रहा है, इस एडिट टैब पर आप क्लिक करेंगे और बाकी की बची हुई इंफॉर्मेशन जो कंपनी की डिस्क्रिप्शन है ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर फिल करेंगे और इसे अपडेट प्रोफाइल कर देंगे। तो फाइनली जब आप प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो एक ये स्क्रीनशॉट है जो आपको रिपोर्टिंग में हमारे को देना होगा, और जो कंपनी का पूरा प्रोफाइल आपने लिख दिया है वो कंपनी का अबाउट यानी कि क्या रहेगा, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारे साथ शेयर करनी होगी गूगल फॉर्म। तो ये है हमारा ज़ैपॉट, जो चेंजेस हुए हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे, बाय।